और यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आपको पता है भारत, और इसी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के वो मुखिया हैं। प्रधानमंत्री मोदी मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अब इस रोड शो की विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने रथ पर वो सवार होते हुए, ये देखिए तस्वीरें, और उनके पीछे पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एसपीजी के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है। और ये देखिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाकर यहां पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और उसके बाद अब यहां से उनका ये रोड शो शुरू होने वाला है। लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी वो तय करेंगे सड़क मार्ग से। आप देख पा रहे होंगे आसपास घरों की जो छतें हैं वहां पर हजारों की संख्या में लोग हैं। बीएचयू का जो हॉस्टल सामने मुझे नजर आ रहा है वहां से भी तमाम लोग, तमाम छात्र छात्राएं झांकते हुए प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए, और अब प्रधानमंत्री का ये काफिला यहां से आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए योगी आदित्यनाथ को भी आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी दिख रहे हैं। और ये जो बीएचयू का लंका गेट है, मुख्य द्वार है, यहां से अब प्रधानमंत्री का काफिला आगे की ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे यहां से अब तमाम लोग जाते हुए आगे की ओर, चुकी जो 5 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना है प्रधानमंत्री को जो रोड शो के दौरान, बहुत धीरे धीरे उनकी यात्रा गुजरेगी, चुकी आप समझिए लगभग 4 से 5 घंटे का वक्त उनको लगने वाला है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक पहुंचने में। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं सभी लोगों से एक तरीके से आप कहिए प्रधानमंत्री मिलते जुलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, चारों तरफ देखते हुए गाड़ी में दाहिनी तरफ बाईं तरफ छतों से जो लोग झांक रहे हैं, खिड़कियों से जो लोग देख रहे हैं, बालकनी में जो लोग हैं उनका भी अभिवादन स्वीकार करते हुए काशी का सांसद आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से लोगों से अपील प्रधानमंत्री मोदी की कि उन्हें एक बार फिर से यहां से चुने। उनकी यह लड़ाई कोई बहुत कठिन नजर भी नहीं आ रही है, क्योंकि मैं खुद कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम के सिलसिले में जब घूम रहा था बनारस में पिछले 3-4 दिनों से हूं, कई लोगों से बातचीत कर रहा हूं, तो जो लोग दूसरी पार्टियों के भी सपोर्टर हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन वो बात मोदी जी की करते हैं, चूंकि प्रधानमंत्री हैं मोदी। मैं जरा अब आपको वीरेश पांडे के पास भी लिए चलता हूं, चूंकि वीरेश पांडे उस गाड़ी के साथ साथ चलेंगे जो इस काफिले के साथ साथ है। वीरेश, आप क्या देख पा रहे हैं उस गाड़ी से? चलिए अंकित के पास चल लेते हैं। अंकित गुप्ता, अंकित, अंकित आप क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल अखिलेश, प्रधानमंत्री आपके पास से जरूर आगे निकल गए हैं, लेकिन मैं जहां पर मौजूद हूं, मैं जो ऊंचाई से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है। प्रधानमंत्री हाथ जोड़ करके लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, तो अखिलेश ये एक अलग तस्वीर भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पिछले कुछ रोड शो जो मैंने कवर किए हैं उस दौरान प्रधानमंत्री लोगों से हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे, क्योंकि वो वहां लोगों के जो बाकी उम्मीदवार थे उनके चुनाव प्रचार के लिए गए थे। लेकिन यहाँ पर जब प्रधानमंत्री आए हैं तो वो यहाँ के सांसद हैं, खुद के लिए वोट मांग रहे हैं, और इसी वजह से लोगों के हाथ जोड़ करके अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और इस वक्त जो रोड के दूसरी तरफ अगर मैं दोनों तरफ की बात करूं तो एक तरफ प्रधानमंत्री के आगे आगे महिलाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री के आगे जो कई सारी महिलाएं हैं वो रथ के आगे आगे चल रही हैं, वहीं रोड के दूसरी तरफ इस वक्त हजारों की संख्या में लोग इंतजार कर रहे थे जो प्रधानमंत्री का वो नजर आ रहे हैं। और देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में अहम है, क्योंकि एक एक तरफ हम आपको जो क्लोज तस्वीरें दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ ऊंचाई से किस तरीके से इस वक्त काशी की सड़कों पर माहौल है, महिलाएं जो प्रधानमंत्री के रथ के आगे आगे चल रही हैं, और उसी में जो है प्रधानमंत्री जो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं वो इस वक्त यहाँ पर नाचते हुए हमको नजर आ रही हैं, नाचते हुए गाते हुए प्रधानमंत्री के आगे आगे जो महिलाएं चल रही हैं। तो बीजेपी ने इसकी खास तैयारी की थी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात होती है, नारी वंदन अधिनियम की बात होती है, और जब ये कानून लाया गया था प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि आधी आबादी को हम जो है पूरा उसको सम्मान देना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री देखिए किस तरीके से इस वक्त अब हम जो है, और अगर कुछ लोगों से आप बात कर पाइए तो जरा बात भी करिए, अपनी बात तो आप रखते रहिए लेकिन आसपास जो लोग नजर आ रहे हैं अगर उनसे आप थोड़ा बात कर पाए तो उनके मन की जो भावना है वो भी तो जाहिर करिए।
बिल्कुल अखिलेश, हालांकि हम जो है छत पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर छत पे भी है जो इस वक्त जो है बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री तो है लेकिन आप लोगों के तो सांसद हैं, यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है और इस बार भी प्रधानमंत्री वो बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, 400 के पार बनेंगे। प्रधानमंत्री के इस रोड शो से जो पूर्वांचल है उसकी सीटों को भी मजबूती मिलती है? बहुत मजबूती मिलती है, उनके आने से और मजबूती मिलेगी भाजपा सरकार को, और मजबूती मिलेगी। आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए प्रधानमंत्री के यहाँ आने से यूपी की 80 सीटों पर पूरा फर्क पड़ेगा? हालांकि कई सीटों पर चुनाव हो चुका है लेकिन अभी भी जो है बाकी है। फर्क पड़ेगा, हाँ एकदम पड़ेगा ना, मतलब फर्क पड़ेगा यार, पूर्वांचल की सीटों एकदम ना, पूर्वांचल का फर्क पड़ेगा, एकदम पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। और ये बताइए प्रधानमंत्री साहब, आप लोगों की भावना क्या है? आज काशी के सांसद सड़क पर हैं, एक बार फिर से लोगों से अपील करते हुए कि फिर से उन्हें चुनिए। और जब चूंकि नरेंद्र मोदी सड़क पर हैं तो सिर्फ अपने लिए वो नहीं कह रहे कि मुझे चुनिए, बल्कि बीजेपी की सरकार बनाइए और अब की बार 400 पार का जो बीजेपी का नारा है उसको और मजबूत करने की वो कोशिश में है, जब वो रोड शो करते हुए नजर आते हैं। और आज जब काशी की सड़क पर वो है तो पूरे देश भर में इससे एक बड़ा संकेत जाता हुआ भी नजर आता है। एबीपी न्यूज पर यह मेगा कवरेज लगातार जारी है। काशी के चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता तैनात हैं, एक एक खबर, एक एक तस्वीर, एक एक रिपोर्ट आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।